योगी आदित्यनाथ चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता, लखनऊ के लोक भवन में विधायक दल की बैठक में फैसला। सुरेश खन्ना ने प्रस्ताव रखा था योगी आदित्यनाथ के नाम का। खन्ना ने की थी सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूर करने की अपील, तालियों के साथ सभी ने किया समर्थन। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा पीएम के नेतृत्व में बनी प्रचंड बहुमत की सरकार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव का समर्थन देने के लिए जताया आभार, बोले अमित शाह ने संगठन की मजबूत नींव रखी, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए किए गए काम। थोड़ी देर में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर सौंपेंगे विधायकों का समर्थन पत्र। केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह ने दीप जलाकर शुरू किया कार्यक्रम, सह पर्यवेक्षक रघुवर दास भी थे मौजूद। योगी आदित्यनाथ ने किया अमित शाह का स्वागत, स्वतंत्र देव ने भी भेंट किया गुलदस्ता। बैठक से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने लोक भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित किए श्रद्धा सुमन, योगी आदित्यनाथ ने भी दी श्रद्धांजलि। योगी आदित्यनाथ कल दूसरी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, मंत्रियों पर मंथन के बाद दिल्ली से लखनऊ लौटे योगी, इकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी के स्वागत के लिए हो रही हैं भव्य तैयारियां। विपक्ष को भी भेजा गया योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का न्यौता, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह और मायावती समेत तमाम नेताओं को बुलावा भेजा गया। बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्यौता, अंबानी अडानी से लेकर बॉलीवुड तक होगा शपथ ग्रहण में शामिल। स्टेडियम जाने वाले तमाम रास्तों पर लगे झंडे बैनर, पीएम मोदी के स्वागत में सड़क किनारे लगाए गए पोस्टर। शपथ ग्रहण से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में होगा विशेष अनुष्ठान, सरकार की स्थिरता और प्रदेश के विकास के लिए की जाएगी प्रार्थना। वीरभूम हिंसा पर दिल्ली से कोलकाता तक मचा सियासी घमासान, हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करने वीरभूम पहुंची सीएम ममता बनर्जी। वीरभूम में सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से की मुलाकात, पीड़ित परिवार को दिया न्याय का भरोसा। वीरभूम हिंसा में जले मकानों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता का ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेगी 5 लाख रुपए की सहायता। घटना के 72 घंटे बाद पहुंची सीएम ममता बनर्जी, फूट फूट कर रोते आदमी को पानी पिलाया, सिर पर हाथ फेरा और आंसू पहुंचे। ममता ने अपनी ही पुलिस पर साधा निशाना, टीएमसी ब्लॉक प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करने का दिया आदेश, कहा अगर पुलिस समय पर पहुंच जाती तो नहीं होती ऐसी घटना। वीरभूम में घटनास्थल पहुंची बीजेपी की केंद्रीय टीम, हिंसा पर बनाएगी रिपोर्ट। वीरभूम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, हाईकोर्ट के आदेश के बाद रामपुर हट में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। वीरभूम हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, झूठ बोलने का लगाया आरोप। टीएमसी सांसदों ने अमित शाह से की मुलाकात, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को हटाने की रखी मांग।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर संजय राउत का बयान, बोले जहां बीजेपी की सरकार नहीं वहां ईडी और राज्यपाल हम पर साधते हैं निशाना। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू, 26 मार्च को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पेश करेंगे बजट। दिल्ली विधानसभा में हंगामा, बीजेपी के दो विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला। बजट सत्र को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा 5 साल में 50% बढ़ी दिल्ली की जीडीपी। अभी करने बाकी भी हैं, पानी के क्षेत्र में, प्रदूषण के क्षेत्र में, सड़कों, वो हम कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर और भी बहुत सारे। बहुत दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की मुलाकात, आगे की रणनीति पर चर्चा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, मुख्यमंत्री बनने के बाद मान की प्रधानमंत्री से ये पहली औपचारिक मुलाकात। सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी राज्य के विकास को लेकर की चर्चा, हर साल 50,000 करोड़ रुपए की मांगी आर्थिक मदद। पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध जीते आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, किसी अन्य राजनीतिक दल ने नहीं उतारे प्रत्याशी। 31 मार्च को होगी आधिकारिक घोषणा। आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली विधानसभा से दिया इस्तीफा, पंजाब से राज्यसभा के लिए है उम्मीदवार। पंजाब में एंटी करप्शन मुहिम में मोबाइल नंबर के जरिए पहला मामला दर्ज, बठिंडा से गौशाला के इंचार्ज ने भेजी तलवंडी, सबो तहसील में हो रही करप्शन की शिकायत। यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं 40 से 50 भारतीय, सदन में सरकार ने दिया बयान, कहा भारत वापस आने वालों को मिलेगी पूरी मदद, अब तक 22,500 लोगों को देश लाया गया। दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज के एलुमिनाई मीट समारोह में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूनिवर्सिटी में नए दाखिला नियम से सभी छात्रों को मिलेगा इक्वल प्लेटफॉर्म, नहीं होगी किसी को परेशानी। गुड न्यूज टुडे से बोले डीयू वाइस चांसलर, छात्रों को मिलेगी राहत। शरद यादव पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, लुटियंस दिल्ली का बंगला खाली ना कराने की मांग की। परमबीर सिंह मामले की जांच करेगी सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। कर्नाटक हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं ने जल्द सुनवाई के लिए दिया था परीक्षा का हवाला। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस एआईसीसी की बैठक, पूर्व मेयर और पूर्व सीएलपी होंगे शामिल। राष्ट्रपति के संबोधन के साथ शुरू हुआ गुजरात विधानसभा का सत्र, 2 दिन के गुजरात दौरे पर है राष्ट्रपति कोविंद। नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा 2 किलोमीटर लंबा जाम, दिल्ली से नोएडा ग्रेटर नोएडा जाने वाली हजारों गाड़ियों की लंबी कतार, ट्रैफिक पुलिस नदारद। यूपी के इटावा में इनकम टैक्स जमा कराने वाले किसानों से किसान सम्मान निधि वापस ले रही है सरकार, 2,290 किसानों को रिकवरी का नोटिस। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू, पूरे गौतम बुद्ध नगर में लगभग 38,000 छात्र परीक्षा में हुए शामिल। यूपी बोर्ड में 51 लाख से ज्यादा छात्र दे रहे हैं परीक्षा, कोविड के बाद पहली बार हो रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम।
दो टाइम स्लॉट में हो रहे हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम। पहले स्लॉट में 10वीं और दूसरे स्लॉट में हो रही है 12वीं की परीक्षा। प्रयागराज में भी यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर रखा जा रहा है खास ध्यान। कानपुर में कुल 133 सेंटरों पर हो रही है यूपी बोर्ड की परीक्षा। 91,838 छात्र हो रहे हैं परीक्षा में शामिल। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी। रविंद्र जडेजा होंगे नए कप्तान। पिछले 13 साल से चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभाल रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। बतौर खिलाड़ी आईपीएल 15 में खेलेंगे धोनी। धोनी और रैना के बाद रविंद्र जडेजा आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के होंगे तीसरे कप्तान। इससे पहले धोनी ने 213 मैचों में सुरेश रैना ने 6 मैचों में संभाली थी टीम की कप्तानी। 2012 से चेन्नई टीम के साथ बतौर खिलाड़ी जुड़े हुए हैं जडेजा। आईपीएल 2022 के लिए सीएसके ने जडेजा को नंबर 1 खिलाड़ी के तौर पर किया था रिटेन। पिछले साल की चैंपियन है चेन्नई सुपर किंग्स। 26 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला। कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी सीएसके। दिल्ली एनसीआर के लिए महंगाई की नई खेप। 50 पैसे महंगी हुई सीएनजी। दिल्ली में पीएनजी के दामों में 1 रुपए का इजाफा। नोएडा में 1 रुपए प्रति एमसीएम बढ़ी पीएनजी की कीमत। अब दिल्ली में पीएनजी की कीमत 37.61 रुपए प्रति एमसीएम। नोएडा में प्रति एमसीएम 35.86 रुपए होगी कीमत। गोवा में कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। महंगे तेल को लेकर अखिलेश का वार। कहा कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता की जेब काट रही है सरकार। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की पहली बैठक। कॉमन सिविल कोड लागू करने के फैसले को कैबिनेट ने दी मंजूरी। कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। 17 यमुना लिंक नहर को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर का बड़ा बयान। कहा दिल्ली और पंजाब दोनों में आपकी सरकार, उम्मीद करता हूं जल्द निकलेगा हल। यूपी के लखीमपुर खीरी में निर्विरोध एमएलसी चुने गए बीजेपी के अनूप गुप्ता। निर्दलीय प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद निर्विरोध चुने गए। गेट की परीक्षा में रीवा के मजदूर की बेटी ने हासिल की सफलता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शालिनी को दी बधाई। पूरा परिवार हुआ गदगद। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जालसाजी और धोखाधड़ी मामले में आरोपी निखिल टंडन गिरफ्तार। सरकारी मार्केटप्लेस जेम ने 1 साल में 1,00,000 करोड़ के ऑर्डर हासिल करने का बनाया रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी। रियल स्टेट डेवलपर ओमेक्स ग्रुप पर आयकर विभाग के छापों में 3,000 करोड़ के लेन देन का पता चला। सीबीडीटी ने 10 साल का डेटा खंगालने के बाद जारी किया बयान। सीआईआई की गोवा स्टेट काउंसिल और जीसीआई ने गोवा में 4 साल से बंद माइनिंग को तुरंत शुरू करने की मांग की। संकट के मद्देनजर की गुजारिश। टूर एंड ट्रेवल सेक्टर के अच्छे दिन वापस आने को तैयार। मार्च से मई के दौरान होटल बुकिंग प्री कोविड स्तर यानी 2019 के आगे निकलने का इंडस्ट्री ने जताया भरोसा। देश में फूड डिलीवरी अब नए लेवल पर जाने को तैयार। जस्ट माई रूट्स ने एक ही दिन में देश के कई शहरों से खाना डिलीवर करने की शुरुआत की। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और ट्रिपल आर के हीरो रामचरण ने की यूक्रेनियन बॉडीगार्ड रस्टी की मदद। भिजवाए थे पैसे।
फिल्म ट्रिपल आर के कुछ सीन यूक्रेन में हुए थे शूट, जहां रस्टी बने थे रामचरण के बॉडीगार्ड। रस्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। बीजेपी सांसद और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने गाया सबसे महंगा भोजपुरी गाना, 80 लाख में बना रोमांटिक सॉन्ग। सोशल मीडिया पर मचा रहा है धूम, अब तक मिले 9 लाख से ज्यादा व्यूज। कुछ दूर जाके मुड़ के भी देख ली, हम लगली देखे रंगोली, हम लगली देखे रंगोली। केआर कैरी की ब्रह्मास्त्र के फ्लॉप होने की भविष्यवाणी, ट्वीट कर कहा कर्ण ने महाभारत के वक्त 9 बार किया था ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल, लेकिन हर बार हुए थे फेल। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का अपने एनआरआई पड़ोसी संग हुआ प्रॉपर्टी विवाद, मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान की याचिका के खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं सलमान खान। रूस यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर की कड़ी आलोचना, कहा यूक्रेन में वॉर क्राइम कर रही है रूसी सेना। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते राष्ट्रपति पुतिन को बड़ा झटका, पुतिन के अनुभवी सहयोगी अनातोली चुबैस ने युद्ध से नाराज होकर देश छोड़ा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध में यूक्रेन को समर्थन देने वालों का दिया धन्यवाद, कहा दुनिया को युद्ध रोकना चाहिए। फ्रांस की संसद को जेलेंस्की ने किया संबोधित, इस दौरान जेलेंस्की ने फ्रांस की कंपनियों से की अपील, कहा नैतिकता का हवाला देते हुए रूस छोड़ने के लिए कहा। रूस यूक्रेन युद्ध से फिनलैंड और स्वीडन के लोगों की सोच में आया बदलाव, एक जनमत सर्वेक्षण ने किया दावा, पहली बार स्वीडन और फिनलैंड का बहुमत नाटो में शामिल होने के पक्ष में आया। रिवने में आर्म्ड फोर्सेस आर्म्ड डिपो पर रूस सेना ने किया रॉकेट से हमला, भारी मात्रा में यूक्रेन के हथियार नष्ट किए। हमले को लेकर रूस ने वीडियो जारी कर किया दावा, यूक्रेन के घातक हथियारों को किया तबाह। रूस ने लंबी दूरी की मिसाइल से किया हमला, समंदर से सेना ने लगाया सटीक निशाना। कीव पर फिर से रूसी सेना के गोले बारूद बरसे, रिहायशी इमारत में हुआ धमाका। युद्ध के बीच खौफ में यूक्रेन की राजधानी, कसता जा रहा है रूस का सिकंजा।